है आपका एडेप्टेशन इन माउंटेन एनिमल्स। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन हैबिटेट आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट। एनिमल्स जो माउंटेन जो पहाड़ों पे रहते हैं वहां पे क्या होता है, जिससे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि वहां पे क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ही ज्यादा ठंड होता है, और वहां पे क्या करता है, क्या होता है, हवा भी चलता है। अब ऐसे मौसम में वहां एनिमल्स कैसे रहते होंगे, दे आर द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स। इसका कुछ फीचर्स होता है, जैसे हम लोग का फीचर्स है, जैसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, फैन चला लेते हैं, और ठंडी के दिन में क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। और उन लोगों का जो है, कुछ जानवरों का जो है, वो नेचुरल एडेप्टिव फीचर्स हैं। फर्स्ट है, एनिमल्स सच एज याक्स हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड कीप देम वार्म। याक जो होता है, याक आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका क्या होता है, पूरे शरीर पे थिक लेयर होता है हेयर का, मतलब तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं, जो उनको वहां पे मतलब बहुत ज्यादा ठंड से बचाते हैं और उसको गर्म रखते हैं। सेकंड, ए माउंटेन गॉट हैज स्ट्रॉन्ग हूक्स फॉर रनिंग अप द रॉक स्लोप ऑफ माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। इट्स बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड विद लॉन्ग हेयर। एक माउंटेन बकरा, व्हाट मींस, क्या बकरी है या बकरा, वो क्या होता है, उसका स्ट्रॉन्ग हूक्स होता है। हूक्स मींस क्या होगा, पैर में जो खुर होता है, वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए, क्योंकि माउंटेन गोट जो है वो क्या करता है, चरने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, घास खाने के लिए क्या करता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसका पैर क्या होता है, पूरा स्ट्रांग होता है, और उसके शरीर पे भी लंबे लंबे बाल होते हैं जो एक्सट्रीमली ठंड से बचाते हैं उसको। थर्ड नंबर है, स्नो लियोपार्ड एंड पोलर बियर हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज विच प्रोटेक्ट देम फॉर कोल्ड व्हेन दे वॉक ऑन द स्नो। ये आपका जो पोलर बियर है और लियोपार्ड्स हैं, ये जहां भी मतलब माउंटेन पे रहते हैं या ठंडे प्रदेश में रहते हैं, इनको भी क्या होता है मतलब उसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, और उनका पैर जो होता है, पैर और टोज जो होता है, वो उसमें क्या होता है, थिक फर प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एंड पोलर बियर्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज विच, मतलब उसके पैर में भी बाल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पोलर बियर का, देखिए पिक्चर में, जो उसको मतलब एक्सट्रीमली ठंड मतलब क्या स्नो पे भी चलने में उनको मदद करते हैं। जैसे पोलर पे क्या होता है, वहां पे हर एक का बर्फ ही बर्फ होता है, बर्फ पे चलना कितना मुश्किल होता है, तो उसके पैर भी क्या होते हैं, पैर पे भी फर होते हैं। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट। द प्लांट एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्लांट और ट्री जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनका निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है, सिंस वेरी लिटिल सनलाइट रीच द लोअर वेजिटेशन और स्मॉल प्लांट हैव ब्रॉड लीव्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। जंगल में क्या होता है, अगर आप लोग जंगल में जाइए, जंगल के अंदर जाइए, तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनका बहुत कम सनलाइट नीचे आता है, और नीचे में जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनका लीव्स कैसा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा चौड़ा होता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। सेकंड है, मोस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लीव्स हैव ड्रिप टिप्स, दिस ड्रिप टिप्स प्रिवेंट रोटिंग ऑफ लीव्स ड्यू टू वाटर अक्यूमुलेशन। द लीव्स आर ऑल्सो कवर्ड विथ ए वैक्सी कोटिंग डेट रिफिल्स वाटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, उसके लिप्स में डीप ड्रिप होता है, वो डीप ड्रिप के कारण क्या होता है, मतलब तो क्या पानी जो है रोटिंग हो जाता है, निकल जाता है। और कुछ प्लांट्स में क्या होता है, उसके पत्तियों में वैक्सी होता है, वैक्सी कोटिंग होता है, जिससे क्या पानी क्या होता है, रिपल्स हो जाता है, उससे पानी निकल जाता है, उससे पानी जमा नहीं होता है। एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एनिमल, फॉरेस्ट एनिमल का एडेप्टेशन कैसा होता है, ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट, मतलब एनिमल्स मतलब आप लोग जंगल में बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, कई तरह मतलब अलग अलग तरीके के जानवरों को देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, मैनी एनिमल्स फाउंड हियर आर गुड ट्री क्लाइंबर्स लाइक मंकी एंड दस बिकम एर्बोरियल और ट्री
ड्वेलिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर क्या होते हैं, मतलब पेड़ को क्लाइंबर्स को ट्री क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब पेड़ पर चढ़ सकते हैं, लटक सकते हैं, एक जगह दूसरे जगह जा सकते हैं। जैसे मंकीज को देखिए आप लोग कि वो कहते हैं एर्बोरियल है, वो ट्री ड्वेलिंग है, मतलब वो पेड़ पे ही रहते हैं। और ये मतलब चलने के, जैसे हम लोग चलने के लिए क्या करते हैं, जमीन का इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलते हैं, तो ये क्या करते हैं पेड़ पे ही एक डाल से पकड़ के दूसरे डाल पे उछल कूद कर सकते हैं। मैनी रेन फॉरेस्ट एनिमल आर गुड स्विमर्स, फॉर एग्जाम्पल जैगवर्स एंड स्लॉथ कैन स्विम। बहुत सारे रेन फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे स्विमर्स होते हैं, मतलब अच्छे तैराक होते हैं, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी में भी वो तैर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है जैगवर्स और स्लॉथ। स्लॉथ को आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, जो कि बहुत ही आलसी जानवर है वो। मेनी एनिमल्स कैमुफ्लेज देमसेल्फ टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, फॉर एग्जाम्पल ए लीफ इंसेक्ट्स, मतलब बहुत सारे कैमुफ्लेज एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने दुश्मनों से बचने के लिए क्या करते हैं, छिप जाते हैं या रंग बदलते हैं। जैसे ए लीफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे जानवर क्या होते हैं लीफ पे, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो पत्तियों पे रहते हैं, और आप लोग कैमुफ्लेज के बारे में पढ़े होंगे कि वो रंग बदल लेते हैं, जहां पे रहते हैं उसके हिसाब से अपना स्ट्रक्चर तो उसका वही रहता है, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रासलैंड के बारे में बताएंगे और फ्लोटिंग प्लांट्स सब के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।